अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मनुष्य द्वारा लगातार प्रकृति से की जा रही छेड़छाड़ या उसके अनावश्यक दोहन के कारण ही अब प्रकृति का कोरोना के रूप में वह अलार्म है जिसमें वह कह रही है कि बस बहुत हुआ, अब बाज आ जाओ। चीन की जानवरों, कीट पतंगों व पशु पक्षियों की पेट भरो नीति कहीं ना कहीं आज न सिर्फ चीन पर बल्कि दुनिया भर पर आफत बनकर टूट रही है। वुहान एक ऐसा शहर जिसका भ्रमण सभ्य समाज के मुल्कवासी कभी नहीं करना चाहेंगे। बताया जा रहा है कि कोरोना का पहला संक्रमित मरीज यहीं पाया गया था। सूचनाओं को दबाने की चीन की फितरत के चलते ही आज दुनिया पर एक संकट छाया हुआ है। वुहान के मेडिकल कॉलेज के दिसंबर के अंत में चिकित्सकों के एक दल ने 7 मरीजों को रहस्यमय बीमारी से ग्रस्त पाया था। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर ली वेन लियांग ने अपने साथी चिकित्सक को तुरंत ही सतर्क करते हुए इन मरीजों को इमरजेंसी विभाग के आइसोलेशन वार्ड में रखने को कहा था। 30 दिसंबर को ऑनलाइन चैट में डॉक्टर ली ने इसका उल्लेख भी किया। इस चैट में शामिल एक चिकित्सक ने इसे अत्यधिक भावावेग बताते हुए जानना चाहा था कि क्या 2002 के SARS नामक बीमारी की वापसी हो रही है। इस बीमारी से उस वक्त करीब 800 लोगों की मौत हो गई थी। सूचनाओं के दबाने की फितरत के चलते ही पुलिस ने डॉक्टर ली से यह जबरन लिखवा लिया कि उनकी चेतावनी गैर कानूनी व्यवहार के दायरे में आती है और यह बीमारी SARS नहीं है बल्कि उसी से मिलता जुलता कोरोना वायरस है। अब यही कोरोना वायरस दुनिया के करीब 25 मुल्कों में मौत बांटता हवा में जहर घोल रहा है। बताया जा रहा है कि कोरोना का पहला स्रोत वुहान का वह मीट मार्केट है जहां सब कुछ मिलता है। सब कुछ मीन्स सब कुछ, ऐसा भी जिसे खाने के बारे में आप सोचेंगे भी नहीं। यहाँ 112 किस्म के जानवर मिलते हैं। इंसान को कुदरत ने बहुत कुछ दिया लेकिन यहाँ वह भी मिलता है जो शायद इंसान के लिए नहीं बना है। भगवान या कहें कि प्रकृति ने इंसान को दिमाग दिया, शायद इसलिए कि उस पर ही धरा पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं का ख्याल रखना दायित्व था, लेकिन इंसान ने यह नहीं किया। केवल 2% लोगों ने इस दायित्व का निर्वाह किया जबकि बाकी लोगों ने प्रकृति का दोहन ही किया। कितनी विडंबना है कि जिन जानवरों, कीट पतंगों को इंसान विशेषतः चीन में वैसी तरीके से मारकर खाया गया, उनमें पनपे वायरस अब उनके मीट के जरिए इंसानों में ही घर करने लगे हैं। यही कोरोना के रूप में प्रकृति का बदला ही है। आइए देखते हैं कि वुहान शहर, यहाँ मुर्गा भैंस बकरा ही नहीं बल्कि 112 किस्म के जीवित या फिर मारे गए जानवर मिलते हैं। इनमें दुर्लभ जीव जंतु भी शामिल हैं। इन 112 जीव जंतुओं में मुख्यतः सूअर, गाय, भैंस, शाही भेड़िया, ईल, सांप, बिच्छू, कंगारू, गधे, लोमड़ी, शुतुरमुर्ग, कछुआ, बत्तख का सिर, बंदर, ऊंट, चूहे, मेंढक, कछुआ आदि शामिल है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी जीव हैं जिन्हें आप खाना नहीं चाहेंगे। इनमें चमगादड़, जिंदा झींगा, बंदर का कच्चा ब्रेन, चूहे के बच्चे, बत्तख का जिंदा भ्रूण आदि शामिल है। चीन में इन दिनों गधों की कमी हो गई है, लिहाजा हिंदुस्तान से भेजने की बात सामने आई है। इस जानवर को बेहद ही निर्दयता से मारा जाता है। इसके हाथ पांव बांधकर इसका बॉडी पार्ट काट दिया जाता है और इसे कच्चा ही मेहमानों के सामने परोसा जाता है। बंदर का कच्चा ब्रेन व गधे का बॉडी पार्ट खाना अथवा खिलाना रईसी के चौंसलों में शुमार है। जिंदा कुत्तों को बर्नर से जलाकर बेचा जाता है। यह इलाका जानवरों के चित्कार से गूंजता रहता है। कोरोना वायरस की मार के कारण इस बाजार में फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन सोच कर बताइए क्या ये सब खाने की वस्तु हैं? आशंका जताई जा रही है कि चमगादड़ जैसे जीवों के शरीर में पनपने वाले जीवाणु ही आज मानव शरीर में पहुंचकर दुनिया के 25 से ज्यादा मुल्कों की जान परेशानी में डाले हुए हैं। यह प्रकृति का इंसान से बदला नहीं है तो और क्या है? अगर इसी तरह प्रकृति को नष्ट किया जाता रहा तो आने वाला समय कितना भयावह होगा, इसके सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। जाहिर है हमें प्रकृति के साथ साथ उन जीवों का भी सम्मान करते हुए उन्हें जीने देना होगा जिन्हें इस पृथ्वी पर भेजा गया है। इस खबर में बस इतना ही। दुआ कीजिए इंसान अपनी फितरत से बाज आए और इस धरा पर वे सभी सम्मानजनक अपना जीवन जी सकें जिन्हें प्रकृति अथवा भगवान ने जमीन पर भेजा है। नमस्कार।